पांच नत्थों का सर झुका हुआ। हमेशा नत्थों मिलते थे, आंखों में आंख मिला के बात करते थे, लेकिन आज दाल में कुछ काला लग रहा है। कोई बात नहीं, इलेक्शन हो जाने दे, उसके बाद मैं नत्थों तुमसे जरूर पूछूंगी। चौकीदार बक्से सील कराओ और अंदर ले जाकर इसकी गिनती करा के तुरंत इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे तुम्हें मालूम है किस वक्त प्रमुखी का इलेक्शन चल रहा है, लहर ब्लॉक, एलिया ब्लॉक और मिश्रा ब्लॉक के बाद जिस मुकाबला जो है आप लोगों के समक्ष बेहटा ब्लॉक जो तंबौर के इलाके में पड़ती है, जो आमने सामने प्रत्याशी है दिलावर मियां और मिसाली देवी, दोनों में माननीय टक्कर नहीं है, बहुत बड़ी टक्कर है। ये देखिए वोटों की गिनती शुरू हो रही है, देखते हैं किसकी किस्मत जाती है, या के 20 वोटों से साली देवी आगे चल रही है। देखते हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाने आती है। एक चार सेवा औरत जो एक महान इंसान के सामने खड़ी है, ये क्या वोटों की गिनती शुरू है, 50 वोटों से आगे चल रही साली देवी। पूरी किस्मत नजर आ रही है, अभी मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है मंत्री जी, अभी लगता है कि यह बक्सा दूसरा शुरू हो गया। और इसमें क्या है, 55 वोटों से आगे चल रही साली देवी। बहुत ही आखिरी राउंड की यह गिनती चल रही है। और यह क्या, दिलावर मियां की किस्मत बहुत ही, और ये क्या, 2 वोटों से दिलावर मियां जीत गए हैं। दिलावर भाई, इलेक्शन हम जीत गए हैं, इलेक्शन हमारा हो गया है। जी हाँ, परेशान मत हो, हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। जी। और रही बात परमुखी की दावत की और उसकी खुशियां मनाने की बात, भाईजान भाईजान भैंसा कटवाओ, भैंसा भैंसा कटवाओ, तुझे दावत लेना है अकेले में कहना। अरे पंडित तो का खाइयो ना, अरे अरे मान लो भैंसा ना है, बिरयानी सोयाबीन की बिरयानी खाओ। हाँ हाँ वो बात सही है। हाँ। तेरी इच्छा की जो जो भी व्यवस्था होगी वो दिलावर के भाई के मकान पे नहीं होगी, वो हमारे आवास पे होगी। ठीक साहब, तुम मंत्री जी के यहाँ चले हो ना, जैसे तुम बिरयानी और एनी उबास कर खा सका तो तुम फल फलहान तो खा सकते हो। खुशियाँ बहुत है यार, हमें आज बहुत बड़ी खुशी मिली है, तो चलो तुम्हारे बंगले पे खुशी मना। राम जाते नत्थो, आज तेरे वजह से मैं इलेक्शन हार गई नत्थो, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी नत्थो। अरे कितनी आस लेके मेरे पास आया था नत्थो, उस परमपिता परमेश्वर की कसम खा के कहा था, आज तूने मुझे पेड़ पे चढ़ा के खाले से पेड़ ही काट दिया नत्थो, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी नत्थो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई नत्थो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाय ये दुनिया, ये मैं फिर मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये मैं फिर मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसी में क्या देख रही हूँ, मेरी भारी माँ रोती हुई और दौड़ती हुई जा रही, लेकिन न जाने कहाँ को जा रही, लेकिन इससे अच्छा यही है मैं भाभी माँ के पास चलती हूँ,
और पूछते हो आखिर किससे रो रही है। उसके बाद नथू हराम जाते मैं तुझे नहीं छोड़ू। जब कभी भी मैं भाभी माँ के पास आती थी मुझे हंस के गली से लगा लेती थी। आज सच गई हुई बताओ बात क्या भाभी भाभी माँ बताओ बात क्या भाभी बहुत उदास जान देने के लिए तैयार होगी? नहीं पूजा। आखिर मेरे भैया राजा आएंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। नहीं पूजा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती भाई, मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहूंगी और मेरा पीछा भी मत करना पूजा। मैं अपने जीते जी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। पीछे से आकर रिवाइवर लिए पूजा जरूर छिंग नथु, आज तेरे मजे से मैं संसार छोड़ के जा रही हूँ। नथु तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। नथु नथु कर दिया भाभी माँ।
ये तुमने क्या कर दिया? मेरे भैया राजा आए कि मैं जवाब क्या दूंगी? पाटी आज के लिए तनहा मुझे छोड़ के तू चली गई। आपने दिल के अंदर जरा भी नहीं सोचा कि पूजा का क्या हाल होगा? भाभी और मुझे छोड़ी भाभी कहाँ कुस्ता संसार में। लेकिन नहीं पूछा आखिर कौन वो मकार है जिसने भाभी को इस दुनिया से मिटाया है? पता नाम साले कमीने का हो, मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। पूछा ये भी तो मैं भी सोच रही हूँ, मैं अपने दिल के अंदर कभी सोच नहीं सकती थी कि जिस पर मैं विश्वास करती हूँ वही धोखा कर जाएगा। आखिर मेरे भाभी माँ का कातिल ठहरा तो सिर्फ आपका भाई विजय बाबू। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरे देवता समान भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? विजय बाबू आपने भाई को देवता समान मानते, मेरी भाभी मेरे लिए कुछ नहीं थी विजय बाबू। लेकिन नहीं पूछा, मेरा भाई एक देवता समान है और मैं भी तुम्हारी भाभी को भी एक देवी मानता हूँ। लेकिन पूजा जो तुम अपने जुबान से बयां कर रही हो ऐसा काम कभी भी मेरा भैया नहीं कर सकता है। कितना भी नीच दाई पे आ जाए इंसान, लेकिन फिर मेरा भाई इतना गलत काम नहीं कर सकता है। बस विजय बाबू बस समझ गई तुम्हारा भाई मेरे भाभी माँ का कातिल। लेकिन अपने भाई की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम दोनों भाइयों की चाल है विजय बाबू। पूछो तो मुझे भी गलत समझने लगी और मेरे देवता समान भाई को मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे दिमाग को क्या इस बात हो चुका है। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आज जिस तरीके से मेरी भाभी के साथ धोखा हुआ उसी तरीके से मैं अपने प्यार में धोखा खा जाऊंगी, मुझे ताउम्र भर रोना पड़ेगा। निकल जा विजय बाबू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अगर ये बात है तो मेरे देवता समान भाई को और हमें गलत समझ रही हो तो रही बात तुम्हारे घर की पूजा, और आज से ये मैं कसम खाता हूं हमारा तुम्हारा प्यार तो प्यार है, मैं झूठा हूं इससे प्यार पे और लात मार कर जा रहा हूं तुम्हारे प्यार को। पूजा तुमने मुझे अपनी निगाहों में गलत समझाए तो लात मारता हूं इससे। क्या कर दिया मुझे नहीं कहना था, विजय बाबू को अपने मकान से नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन नमस्ते, क्या नाम है तेरा? सब तेरा नाम पूजा है। पूजा ये मेरी भाभी भाई सर। तेरी भाभी? इनका कत्ल कैसे हुआ?
ये आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर लिया चौकीदार, तलाशी लो पहले। मेरे पास कुछ नहीं है। कहती है मेरे पास कुछ नहीं, 315 का सलाह और तूने अपने भाभी का मर्डर कर दिया। मेरी भाभी माँ आत्महत्या करना चाहती थी और मैं उसके बचाने की कोशिश में लगी थी, फिर भी बचा ना सकी। रिवाल्वर मेरे हाथों में रह गया सर। जानती हो पूजा, इस केस में तुम्हें सजाए मौत हो सकती है। हम बहुत नेक इंसान हैं, हमसे दयालु इंसान इस थाने के अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। हमें भाई बहुत तरस आ रहा है इस लड़की पे। लगा सीतापुर जिले में यहाँ आए तंबाकू। ऐसा करो पूजा, अगर तुम्हें इस केस से बचना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। कल रात 10 बजे हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर आना होगा, तुम्हारी तहकीकात करेंगे। उसके बाद सभी तहकीकात करने के बाद मैं तुम्हें इस केस से बरी कर दूंगा। अगर तुम मेरे हेडक्वार्टर के ऊपर 10 बजे नहीं आई तो लगा के 300 का मुकदमा तुम्हें 20 साल के लिए अंदर डाल दूंगा, समझे? सर आपके कहने के मुताबिक मैं 10 बजे राइट 10 बजे समझे, याद रखना। अरे बेटी पूजा, ये इंस्पेक्टर गोगले, इसने 10 बजे बताया है तुम्हें आने के लिए। तुम 10 बजे मत आना, तुम 7 बजे हेडक्वार्टर पे आ जाना। इस बात का वादा है मैं इस केस के बारे में दूध का दूध और पानी का पानी करवा दूंगा। और इंस्पेक्टर के चक्कर में मत बनना, ये दरोगा बहुत ही हराम ज्यादा है, बहुत ही है। भगवान आखिर मेरा भैया आएगा, मम्मी को पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगी। आखिर भाई तुम कहाँ हो मेरे भाई, घर आ जाना। घर के हालात बहुत खराब होते जाते हैं मेरे भाई, कहाँ है तू मेरा भैया। होरिया देखी जरा भैया, क्या नहीं किया मैंने। खोल के नदियां बही तो चादर प्रमुखी का इलेक्शन हमारे हाथ आया है। अब पहले भाईजान को आने दो, उसके बाद में हम कुछ सोचते हैं। मुबारक हो दिलावर भाई, प्रमुखी का पद मुबारक हो। मेरे दोस्त भाईजान, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मादर समझ लो कितनी गोलियां होती है इसमें, इतने छर्रे भर दूंगा। मुबारक कह रहा है वो गोली, परमुखी का पद मुबारक हो, पद मुबारक और का पद मुबारक हो, मेरे दोस्त हमारे प्रमुख बनने पर आपको बहुत बड़ी खुशी है ना? क्यों नहीं, लेकिन इससे बढ़कर अगर खुशी मैं आपको सुनाऊंगा तो आप और भी खुश हो जाएंगे। इससे बढ़कर और खुशी? जी हाँ। वो कैसी खुशी है? जानना चाहते हो कौन है खुशी? बोलो क्या है? तो सुनो मेरे दोस्त, और कोई ना का नाम राजा, तो क्या वो भी मर गया था? अरे मर गया होता तो कांटा ही साफ हो गया होता। क्या है? साली का देवर राजा अभी भी नई पोस्टिंग पुलिस इंस्पेक्टर की ज्वाइन किया है, वो लखनऊ से सीधे आ रहा है, अपने थाना तंबौर का चार्ज मिला उसे। प्रमुखी सब तुम्हारी में फैल जाएगी, हमारी वर्दी बचना मुश्किल है यार। गड़बड़ प्रमुख बनते बनते लफड़ा शुरू है, लगता है प्रमुखी का पद अच्छे समय पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। दिन ठीक नहीं है। अगर राजा इंस्पेक्टर बनकर के तंबौर थाने में आ गया तो समझो हमारी तुम्हारी किए हुए सब चीज पर पानी फिर गया। शायद इंस्पेक्टर गोखले की बात को तुम पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। इंस्पेक्टर गोखले का कहना है कि शाली का देवर एक है जिसका नाम राजा है, वो लखनऊ से नई नई पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग पास करके तंबौर थाने को आ रहा है। आया नहीं है, अरे ऐसा करो कि राजा को तंबौर थाने पहुंचने से पहले रास्ते में साले को खत्म कर दो, ना रहेगा बास और ना ही बजेगी
काम इंस्पेक्टर गोखले आपको करना पड़ेगा। जानते हो क्या करना होगा? लखनऊ से राजा पुलिस की पोस्टिंग पाकर के सबसे पहले आएगा सीतापुर। जी हाँ, और सीतापुर से रोडवेज बस पकड़ेगा तंबौर थाने के लिए। तुम्हें क्या करना है जानते हो? आज चौका वाले पुल पर 400 पुलिस वाले लेकर के तैनात हो जाओ। जब राजा की बस चौका वाले पुल पे पहुंचे तो बस को इशारा करो, राजा को बस के नीचे उतार लो। मैं क्या करूंगा, 4-6 लठैतों के साथ झाड़ियों में छिपा रहूंगा। हमारी तुम्हारी नजर का इशारा एक होना चाहिए। जब मैं इशारा करूं तो राजा को अकेले छोड़ देना। जब राजा अकेले होगा तो उसके इतने नन्हे नन्हे टुकड़े करेंगे कि वो पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं उसके लास्ट पोस्ट मास्टर होकर के तंबौर थाने जाएगी। वाह, बहुत अच्छी तरकीब सोचा है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने थाने को, थाने से अपनी गाड़ी लेकर निकलूंगा और लग जाऊंगा चौका वाले पुल पर। जब राजा की बस आएगी, बस को इशारा करूंगा, राजा के नीचे उतार लूंगा। राजा समझेगा कि इस पत्थर गोखले मेरा स्वागत करने के लिए आया है। उसी वक्त हमारी तुम्हारी नजर का इशारा होना चाहिए। राजा को मैं अकेले छोड़ दूंगा और राजा का बजा दो ऐसा बाजा कि साला थारा तंबोर नहीं बल्कि उसकी लाश सीतापुर चील खाने को। फिकर तुम ना करो गोखले, उसकी मौत निश्चित है। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। जाओ जान, और इससे पहले राजा चौका वाला पुल क्रैश करे मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। तो फिर देर क्यों करते हो? पढ़ाओ पैगाम, oh!
अदा किया है। लेकिन कहते हैं कि जीवन देने वाला और जीवन को बचाने वाला दोनों ही भगवान के रूप हुआ करते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इसलिए मेरा दिल कहता है कैसे इंसान से दोस्ती कर ली जाए। अगर तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है, मुझे मंजूर है तो भी मिला। लेकिन मेरा यहाँ एक रस्म और रिवाज है, क्या कि जब तक अपने दोस्त को गले से ना लगा दोस्ती पक्की नहीं होती। नहीं, मैं गले से नहीं लग सकता। इस लड़के के गले लगते ही मेरे पूरे जिस्म में करंट से दौड़ गया। मुझे तो शक हो रहा है कहीं ये लड़के की जगह कोई लड़की तो नहीं। खैर, मैं इसकी पूरी जांच करता। क्या बात, मैं तो समझता था कि दाल में काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काला। अब मैं इससे दोस्ती नहीं, अब मैं इससे प्यार कर लिया। तुम्हें कपड़े लूटने की बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, लीजिए ये कपड़े। अरे कपड़े 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 मत करना, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। नीचे के मत, नीचे के मत उतरना, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। अरे ये नहीं लगा तुम्हें देखकर, मैं तो दीवाना हो गया तुम्हारा। जब से मैंने तुम्हारे बदन को छुआ है, जानती हो मुझे क्या मालूम होता है? तेरी जवानी जानती हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? तेरी जवानी तपता महीना आए नाजनी तो मुझसे प्यार करेगी ना तो अपना दिल देगी।
सुन लड़की, तो क्या मिले में एक चमनपुर गांव है। कसी